गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक स्टोरी दी गई है, थोड़ा सा उस स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी फिर उस स्टोरी को आप अपने आप से अच्छे से अपनी बुक से पढ़ेंगे। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि दो लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं और वो बात कर रही हैं कि हमारे स्टेट में पानी की बहुत ही कमी है और लोग बहुत सारे बीमार पड़ रहे हैं। बहुत सारे विलेजेस में पीने का पानी साफ़ नहीं है, स्ट्रीम्स टैंक्स ड्राई अप हो चुके हैं और लोगों को बहुत दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा है। इस स्टेट में, इस स्टोरी में पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है कि वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, इसलिए लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में भी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी बहुत सारे लोग एडमिट हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसलिए कहा गया क्योंकि पातालपुरम जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एडमिट हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो डायरिया से पीड़ित हैं। तो इस स्टोरी के बारे में कैसे इसका समाधान होता है ये पूरा बताया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हु इज़ MLA, MLA कौन होते हैं। तो MLA की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो MLA होते हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ये पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं और फिर बाद में ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और गवर्नमेंट बनने के बाद जो MLAs होते हैं वे अपने एरियाज के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ में, इंडिया के हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब एक विधानसभा होती है। हिंदी में लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं। अब जो भी MLAs होते हैं वे, उन्हें जो भी डिबेट करनी होती है, डिस्कशन करते हैं, वे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आकर करते हैं। हर एक स्टेट को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। इन डिफरेंट एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बोलते हैं। पूरे स्टेट के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। हर स्टेट में बहुत सारे एरियाज होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि माना कि एक स्टेट को 8 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हर एक एरिया से एक MLA चुना जाता है, तो पूरे स्टेट से कितने MLA हुए? 8 MLA। अब ये 8 जो MLA हैं, जो भी इनके एरियाज में इश्यूज होते हैं, वे असेंबली में आकर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पे आकर उनके बारे में डिबेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। आपकी बुक में ये हिमाचल प्रदेश स्टेट का एग्जांपल दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है। यहाँ पर 68 MLAs हैं। अब हर एरिया में एक MLA चुना गया है। अब ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएंगे। सभी डिस्कशन और डिबेट के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आएंगे। ये जो MLAs होते हैं ये डिफरेंट पार्टी से होते हैं, सबकी डिफरेंट पार्टीज होती हैं। जैसे पार्टी मतलब, जैसे कांग्रेस पार्टी, BJP पार्टी, आपने सुना भी होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर। मतलब जो एक MLA होता है वह कैसे मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब इसके बारे में हम समझेंगे। वह पॉलिटिकल पार्टी जिसके MLAs 50% से ज़्यादा होते हैं, तो वो मेजोरिटी अवार्ड दिया हुआ है,
मेजोरिटी में आ जाते हैं, और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वह रूलिंग पार्टी होती है, और बाकी अपोजिशन पार्टी मतलब विपक्ष होता है। मतलब कि वो एक रूलिंग पार्टी हुई और एक अपोजिशन पार्टी। ए रूलिंग पार्टी के सभी, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी के सभी कामों को देखती है कि वे सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और यदि उन्हें लगता है कि रूलिंग पार्टी सही से काम नहीं कर रही है तो वे इसका इशू खड़ा कर देते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में तीन तरह की पार्टीज बैठती हैं, नंबर वन रूलिंग पार्टी, नंबर टू अपोजिशन पार्टी, और एक होती है इंडिपेंडेंट पार्टी। रूलिंग पार्टी वह होती है जिसके 50% से ज़्यादा MLA होंगे। अपोजिशन पार्टी वह होगी जिसके पास रूलिंग पार्टी से कम MLA होंगे, और बाकी जितने बचे हुए होते हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टी होती है। इलेक्शन के बाद जो MLA रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं वे अपने ही बीच में से एक लीडर चुनते हैं, और वह लीडर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वे अपने कुछ मिनिस्टरों को सिलेक्ट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम क्लास में से एक मॉनिटर को चुनते हैं और वह मॉनिटर अपनी एक टीम तैयार करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनते हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चीफ मिनिस्टर अपनी एक टीम तैयार करते हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग मिनिस्टर बनता है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को? इनको गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो राज्य का राज्यपाल होता है, उसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है, और इनको शपथ भी गवर्नर के आगे ही दिलाई जाती है। अब जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनकी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रन करें। सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसेज होते हैं और वे वहीं पर जाकर बैठते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर सभी MLA बैठकर वेरियस चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टी बैठती हैं, रूलिंग पार्टी भी और अपोजिशन पार्टी भी। कुछ MLA ऐसे होते हैं जिन पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि वे MLA भी होते हैं और मिनिस्टर्स भी। अब अ डिबेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में एक डिबेट दिखाई गई है। असेंबली में जो MLA बैठते हैं वे करंट प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन और डिबेट करते हैं। करंट मतलब जो अभी में कोई मुद्दा चल रहा होता है। MLAs अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी इशू होता है उस पर क्वेश्चन पुट अप करते हैं और सजेशन देते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वे इन MLAs के क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो अदर मिनिस्टर होते हैं, वे डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजंस को सभी मेंबर अप्रूव करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो भी मेंबर वहाँ होते हैं वे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, किसी भी इशू को लेकर डिबेट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये फ्रीडम होती है। अब एक वर्ड आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वर्ड रेफर करता है बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, इन डिपार्टमेंट को लीड करता है।
सभी मिनिस्टर्स इन डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं और इन सभी डिपार्टमेंट्स का ओवरऑल हेड होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये डिबेट दिखाई गई है, एमएलए आपस में बात कर रहे हैं किसी इशू को लेकर, तो इसको आप पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और किस तरह से आंसर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का जो के जो काम है, केवल अब इसमें केवल एक लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है जहां पर कोई भी ओपिनियन रखा जा सके, बल्कि इसके बाहर भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर भी अपने ओपिनियन रखे जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और दूसरी बहुत सारी संस्थाएं जो रेगुलरली इन चीज़ों पर काम करती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे तरीक़ों से अपने व्यूज़ रखे जा सकते हैं, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, इस तो इसमें अपने व्यूज़ रख सकते हैं। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होता है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट न्यूज़पेपर के मेंबर्स होते हैं, यहाँ आते हैं, और जो मिनिस्टर्स और अदर ऑफिसर्स होते हैं वे भी यहाँ पर होते हैं। रिपोर्टर्स यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी एक इशू आया था हेल्थ से पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ हेल्थ मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और फिर वो वहाँ पर अब जो जब चीफ मिनिस्टर हैं, अब इसमें ये एक रिपोर्ट दी गई है जो कि रिपोर्टर्स द्वारा या तैयार की जाती है और फिर वह रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छपती है। ये पूरा एक सैंपल दिया हुआ है। अब जो चीफ मिनिस्टर्स और पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मिनिस्टर होते हैं वो उस जगह का दौरा करते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसके कारण ढूंढते हैं और वहाँ के लोगों की सहायता करते हैं। उसके कारणों के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और वह उन लोगों से उनकी नीड्स पूछती है और साथ ही साथ जो मिनिस्टर होते हैं वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब जो लोग पावर में होते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, वे वेरियस डिपार्टमेंट्स के थ्रू एक्शन लेते हैं। ये उन क्वेश्चन को भी आंसर करते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर सभी को डिपार्टमेंट वाइज उनका रिप्लाई करना पड़ता है जो क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट रन कर रही है, वह नए लॉज भी डिसाइड करती है, कर सकती है पर्टिकुलर एरियाज़ में। पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए अलग से लॉ बनाए जा सकते हैं। अब जो लॉज बनाए जाते हैं वह लेजिस्लेटिव असेंबली में ही बनाए जाते हैं। स्टेट के पर्टिकुलर इशूज पर लॉज लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाते हैं और पूरे देश के लिए, एंटायर कंट्री के लिए लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट के बारे में हम नेक्स्ट ईयर 8th क्लास में पढ़ेंगे। अब जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग ही मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं वही एमएलए चुनते हैं और यही लोग मेन अथॉरिटी में भी होते हैं और सभी एमएलए
मिलकर काम करते हैं, डिबेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है। थैंक यू।